Hi guys, hello everyone and welcome to an Topper channel. This is your favorite G square. और आज हम इस पनौतीस चैप्टर के आखरी पार्ट को कंप्लीट करने वाले हैं. That is Animal Kingdom Part three. ठीक है तो लास्ट टाइम हमने नोट्स बनाए थे uh, कैसे लग रहे थे बेटा नोट्स पढ़ने में मजा आ रहा था आज मुझे बैंगलोर जाना है बट आई मेड श्योर कि मैं आपकी स्पेशल क्लास भी लेके जाऊं आपका यूट्यूब भी लेके जाऊं जैसे कि आपकी जो पढ़ाई है उसमें किसी तरह की रुकावट ना सके कल की क्लास इसलिए हुई थी क्योंकि मेरा लैपटॉप बहुत हीट हो गया था नीचे का जो लेदर का उसका मैंने वो एक बिछाया हुआ था उसके नीचे वो भी पूरा गल गया था <laughs> कल तो बस बहुत हम बचे हैं भगवान की कृपा से क्योंकि वो इतना हीट हो गया था मैं परसों लैपटॉप चला हुआ छोड़ गई थी तो उससे वो पूरी रात ऑलमोस्ट सवा दिन वो चलता रहा ऑलमोस्ट देन अ डे दे। तो उसके कारण पूरा अच्छे से वो गर्म हो गया था जिसके कारण बहुत प्रॉब्लम हो गई बट आज ठीक है हमने एसी वेसी चलाया उसको ठंडा किया कूल किया तेरा नीट क्लियर हो जाएगा तेरा नीट क्लियर हो जाएगा यस चलो लेट्स स्टार्ट जोश हाई रहना चाहिए अगर एक घंटे के बाद किसी ने बोल दिया ना कि मैम बस मैम नींद आ रही है फिर देखना वहीं पे उठाकर आज पटक दूंगी तुमको क्योंकि आज कंप्लीट करना ही करना है कल एनिमल शुरू करना है वैसे भी मैम बैंगलोर जा रही है थीके? तो कल का मैं श्योरिटी तो नहीं कह सकती बट आई ट्राई कि मैं आपकी कल की क्लास चाहे एक घंटे की क्यों ना हो जरूर ले लू यूट्यूब की ठीक है जिससे कि हमारी और आपकी कंसिस्टेंसी ना टूटे ठीक है चलिए बच्चों आज के कड़वे सच के साथ शुरू करते हैं एनिम पार्ट थ्री नीट क्रैश कोर्स हम ये क्रैश कोर्स ले सकते हैं ठीक है 15 फरवरी तक 20% ऑफ है यानी कि कल तक 2799 का ये कोर्स आपको मिल रहा है जहां पे आपको पूरा सिलेबस कंप्लीशन है मेंटोरशिप ग्रुप से इफ यू यूज द कोर्स जी स्क्वायर, ठीक है देन यू हैव 36% ऑफ और थ्री मंथ्स एक्सटेंशन ऑन नीट प्लस सब्सक्रिप्शन एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आई गेस हम ठीक है बच्चों ये आपका चलिए अब हम शुरू करते हैं आज का कर शुरू करते हैं चलो <laughs> किस बच्चे ने लिखा था कड़वा सच बताओ चेतन वाह कैसन वाह तो लास्ट क्लास में लास्ट टू क्लासेस में हमने कितना किया मैं एक बार आपको बता दूं भाई इतने बरए जोश के साथ तो मत आया करो कम से कम मेरी क्लास में आई ऑल्सो नीड सपोर्ट इन दिस चैप्टर बेटा यू कांट डू दिस टू मी यू कान डू दिस टू मी मैं बता देती हूँ ये मैं नहीं सहूंगी जोशा ही होना चाहिए चलो भाई तो लास्ट टू लेक्चर्स में हमने क्या किया था एनिमल किंगडम के मैं बता देती हूँ सबसे पहले हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन फुल डिटेल में मैंने बच्चों को पढ़ाया था क्योंकि इस पार्ट से एक क्वेश्चन आता है फिर लेक्चर नंबर टू जो की सिर्फ एक घंटे का हुआ था ठीक है <laughs> उसके अंदर मैंने वन पेज नोट्स कराए थे आपको मतलब ईच फाइलम वॉज डन इन वन पेज वन स्लाइड ठीक है तो ये चैलेंज हमने लिया था तो यहाँ से हमारा लेक्चर नंबर टू शुरू हुआ था ये रहा लेक्चर नंबर टू तो हमने पॉलीफेरा कर लिया है रिविजन किया है आप लोगों ने हाँ भाई ये सब वो बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि मैम डे वाले दिन मैं सिर्फ पढ़ता हूँ मैम ये बाकी दिन आए ना है यह आज सबसे ज्यादा आएंगे पता है क्यों मैं बताता उसका रीजन क्योंकि अपने घर वालों को बोल सकते हैं फिर मम्मी मैं पढ़ता हूँ प्लीज हाँ आपको विश्वास नहीं है देखो मैं क्लास करता हूँ आपको मेरे पे ट्रस्ट नहीं होता बिल्कुल भी देख लो मैं क्लास कर रहा हूँ एंडमर किंगडम जैसे टॉपिक पढ़ने जा रहा हूं ऊपर yes. से थर्ड लेक्चर है फिर भी जा रहा हूँ पढ़ने के लिए तो ये सिलेंट्रेटा हमने किया, किया, किया नेक्स्ट भी हो चुका है हमारा नोट्स आप देख रहे हैं सब आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे फिर उसके बाद एजकल भी हो चुका है तो आज आप और मैं मिलके करेंगे आनलेड़ा. तो शुरू करें यस yes. मैम वी आर रेगुलर ये तो आई नो चलो बेटा लेक्चर नंबर थ्री और फाइलम कौन सा है बच्चों फाइलम नंबर कौन सा है जल्दी से बताएंगे सब चैट बॉक्स में आज हम करेंगे फाइलम और फाइलम का नाम है एनालिडा क्या नाम है इसका एनालिडा अगर हम एनालेडा के बारे में बात करें तो फॉर द फर्स्ट टाइम ट्रू सेगमेंटेशन आती है इसलिए हम इसे ट्रू सेगमेंटल वर्म्स कहते हैं क्या कहते हैं मेरे बच्चों मैम के साथ रिपीट करो एवरी रिपीट आफ्टर मी क्या कहते हैं इनको इनको हम कहते हैं ट्रू सेगमेंटल वर्म्स ट्रू सेगमेंटल वर्म्स भी कहते हैं ठीक है अगर एनालिडा के बारे में बात करें इसके जनरल कैरेक्टर्स की चलिए आइए तो सबसे पहले हम जनरल कैरेक्टर्स लिखते हैं हर फाइलम के यार <laughs> आओ बच्चों फिर से शॉर्टकट अपनाते हैं आज के लेक्चर में इत मेनू क्यों चाहिए चलो भाई यहाँ पे आपकी चीज को एक शॉर्टकट लेती हुई जनरल कैरेक्टर आ बस फर्स्ट टाइम करना तो बाकी टाइम तो आप सब पेस्ट हो जाएंगे कॉपी पेस्ट अदिति समझ गए चलो आ जाओ मेरे बच्चों तो लेट्स स्टार्ट तो सबसे पहले इनके हैबिट एंड हैबिट के बारे में बात करते हैं तो ये एक्वेटिक भी हो सकते हैं टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं ये पानी में भी रह सकते हैं ये लैंड में भी रह सकते हैं तो क्या क्या हो सकता है इन द चैट बॉक्स तो ये हमारे एक्वेटिक भी हो सकते हैं ये हमारे टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं क्या हो सकते हैं ये हमारे टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं ठीक है अगर एक इक्वेटिक की बात करें तो फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं मरीन वाटर भी हो सकते हैं क्या क्या हो सकते हैं ये हमारे फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं मरीन वाटर भी हो सकते हैं ठीक है बच्चों इसमें से कुछ पैरासिटिक फॉर्म्स भी होती है जैसे कि लीचेस ठीक है और ये जो लीचेस होती है दे आर जनरली एक्टोपैरासाइड ये हमारे बाहरी त्वचा पे चिपक के अपन का खून चूसने का काम करती है ठीक है तो क्या हो गया बच्चों अगर हम इसकी बात करें तो दे कैन बी फ्री लिविंग ये हमारे फ्री लिविंग भी हो सकते हैं यानी कि किसी के ऊपर नहीं निर्भर होते हैं ठीक है या ये फिर फॉर्म्स भी हो सकती हैं क्या हो सकती है या फिर ये parasitic forms भी हो सकते हैं तो ये सारे इसका वहीं पे अगर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें फॉर द सेकेंड टाइम इन द एनिमल किंगडम ऑर्गन cellular, टिश्यू ऑर्गन सिस्टम क्या है जल्दी बता दो चैट बॉक्स में तो यहाँ पे आती है हमारी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिमेट्री की बात करें फॉर द सेकेंड टाइम नहीं फॉर द थर्ड टाइम इन एनिमल किंगडम जो अपन में भी होती है कौन सी होती है बायलेटरल सिमेट्री कौन सी होती है बच्चों बायलेटरल सिमेट्री वहीं पर अगर बॉडी प्लान की बात करें तो इसका बॉडी प्लान क्या है ट्यूब विद इन ट्यूब कौन सा है ट्यूब विद इन ट्यूब जर्म लेयर्स की बात करें तो अगेन वेरी सिंपल हैव थ्री जर्म लेयर कौन कौन सी एक्टो मीजो एंडो यानी कि कौन से हो गए ट्रिप्लो ब्लास्टिक क्या हो गए बच्चों ये ट्रिप्लो ब्लास्टिक एनिमल्स सिलोम की बात करें फॉर द फर्स्ट टाइम यू सिलोमेट कौन से है बच्चों फॉर द फर्स्ट टाइम यू सिलोमेट यानी कि दे हैव ट्रू बॉडी कैविटी और सेगमेंटेशन भी फर्स्ट टाइम है एनिमल किंगडम में यानी कि सेगमेंटेशन इज प्रेजेंट क्या है सेगमेंटेशन क्या है प्रेजेंट है इसमें ठीक है वहीं पे अब हम इसके बारे में बात करते हैं टिपिकल टिपिकल कैरेक्टर्स कैरेक्टर्स की सो लेट्स रीड एंड स्टडी अबाउट तो अगर हम टिपिकल कैरेक्टर्स की इसकी बात करें तो सबसे पहले इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे किसकी बात करेंगे बच्चों डाइजेस्टिव सिस्टम सिंस इसके पास टू बॉडी प्लान है तो आपके लिए बिल्कुल टफ नहीं है बताना है। क्योंकि जिसके पास ट्यूब्यूब बॉडी प्लान होता है उसका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है यानी कि उसके पास टू ओपनिंग्स होती है एक माउथ और एक एनस ठीक है तो कैसा है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है और जो डाइजेशन ऑफ फूड हो रहा है वो सेल से बाहर होता है जब डाइजेशन ऑफ फूड सेल से बाहर होता है तो इस तरह के डाइजेशन को प्रोसेस को इंट्रा सेल्युलर कहते हैं या एक्स्ट्रा सेलूलर कहते हैं क्या कहते हैं बच्चों ऐसी प्रोसेस को हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर टाइप ऑफ डाइजेशन वहीं पे आप इसके रेस्पिरेशन की बात करते हैं रेस्पिरेशन को मैं थोड़ी डिफरेंट कलर से लिख रही हूं क्योंकि ये नीट का बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है ठीक है रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी रेस्पिरेशन कैसे करते हैं जो अर्थवम होता है ना उसके पास होती है त्वचा स्किन और जब स्किन के माध्यम से रेस्पिरेशन होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है तो उसको क्या कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन क्या कहते हैं मेरे बच्चों मॉइस्ट क्यूटिकल होता है उसके थ्रू होता है तो क्या हो गया इसमें होती है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन दैट इज मॉइस्ट क्यूटिकल और यहां पे नीट का एक और पीवाई क्यों अपन लोग डिस्कस करते हैं इसके पास एक और स्पेशल फॉर्म होती है जो स्विमिंग में भी हेल्प करती है जो एक्वेटिक प्रेजेंट होती है जो बॉडी के साइड में प्रेजेंट होती है उसे क्या कहते हैं पैरापोडिया क्या कहते हैं बच्चों सको? उसको उसको कहते हैं पैरापोडिया ये पैरापोडिया वो स्ट्रक्चर्स हैं जो इसको रेस्पिरेशन में भी हेल्प करेगा प्लस स्विमिंग में भी हेल्प करेगा प्लस किस में हेल्प करेगा स्विमिंग में भी हेल्प करेगा दिस इज अट इंपोर्टेंट पी वाइकसिंग सर्कुलेटरी अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम जो अर्थवर्म है अर्थवर्म के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होगा क्लोज क्या होगा बच्चों क्लोज तो इसके पास कैसा होता है क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है क्या इसके पास आरबीसी होता है नहीं तो हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होता है प्लाज्मा में कहां पे प्रेजेंट होता है प्लाज्मा में तो अगर यहां पे हम दूसरी इंपॉर्टेंट चीज देखें तो यहां पे क्या है दैट हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा कहां प्रेजेंट होता है वो प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है ठीक है अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे अब नेक्स्ट क्या यहाँ पे लीचेस जो लीचेस होती हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं क्योंकि वो खून चूसने वाली होती है और जो जिफ डिफरेंट है तो उसमें क्या होगा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होगा इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ठीक है अब सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम बेटा एक्सक्रीशन एनालिट्स में किसके थ्रू होता है एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में मैंने बताया था उसका नाम शुरू होता है ननन नन नारे 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 न से शुरू होता है वेरी गुड ये भी हमारा पीवाई क्वेश्चन है क्या है उस स्ट्रक्चर का नाम नेफ्रीडिया ये वो स्ट्रक्चर है ऑस्मो रेगुलेशन क्या करेगा बच्चों इसके साथ साथ इसके साथ साथ वो करेगा ऑस्मो रेगुलेशन क्या करेगा ऑस्मो रेगुलेशन अब एक्सक्रीशन के बाद नेक्स्ट पे चलते हैं दैट इज इट्स नर्वस सिस्टम अगर हम इसके नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसके पास नर्व कॉर्ड होते हैं और नर्व कॉर्ड की लोकेशन नॉन कॉर्डेट्स में कहा होती है ये तुम मुझे चैट बॉक्स में बताओगे जल्दी बताओ आंसर oh, लिखना शुरू कर दिया मैंने नर्व कॉर्ड होती है और ये जो नर्व कॉर्ड होती है इसकी लोकेशन नॉन कॉर्डेट्स में कहा होती है हमसे ऑपोजिट हमारी डॉसल है तो इनकी क्या है वेंट्रल अगर हमारी सिंगल है सिंगल से याद आए बेटा हाउ इज योर वैलेंटाइन गोइंग यस, yes. वेंट्रल होती है इसके बाद डबल होती है ठीक है बच्चों इसके बाद डबल होती है और कैसे होती है सॉलिड होती है अब आते हैं next. Next आते हैं इसके बाद, के reproduction पे। Now, when we talk about its reproduction, <laughs> तो बेटा ये यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं ये बायसेक्सुअुअल भी हो सकते हैं अगर इसका एग्जाम्पल देखें, नेरीस का नेरीस की अगर बात करें जो कि हमारा एक्वेटिक है ये हमारा यूनिसेक्सुअल होता है क्या होता है हमारा यूनिसेक्सुअल होता है और इसमें डेवलपमेंट कैसी होती है इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है यानी कि इसके पास एक लार्वा स्टेज भी होती है और लार्वा का नाम क्या होता है ट्रोकोफोर क्या नाम होता है बच्चों उसका ट्रोकोफोर होता है क्या होता है उसका ट्रोकोफोर नहीं बेटा बुरा नहीं मानते जिंदगी में क्या हो गया सच्ची ही तो बोला सच बोलना तो अच्छी बात होती है ना बेटा ऐसे बुरा नहीं मानते, चलो पढ़ो फिर दूसरा एग्जाम्पल फेरेटिमा, यानी कि अर्थवर्म दूसरा एग्जाम्पल क्या है फेरेटिमा भाई कहां पे रहता है अर्थवर्म इट्स अ फार्मर्स फ्रेंड ठीक है ये हमने इकोलॉजी में अभी पढ़ाऊंगी अभी इकोलॉजी शुरू होगी नेक्स्ट वीक ठीक है ये टेरेस्ट्रियल है ये धरती निवासी है बट ये बाय सेक्शुअल होता है क्या होता है बच्चों ये बायसेक्सुअुअल होता है और इसमें जो डेवलपमेंट होती है वो डायरेक्ट होती है मतलब कि इसमें कोई भी लावल स्टेज नहीं होती है वहीं पे तीसरा इसका एग्जाम्पल है हिरुडिनेरिया हिरुडनेरिया का कॉमन नेम क्या है लीचिस क्या नाम है लीच यानी कि जौ हिंदी में से जौ कहते हैं गया हमारा अर्थवर्म ठीक है अब रिया की बात करें तो ये भी क्या है क्या है इसे sanguivore कहते है जो है, जैसे कि वो महिला ओ महिला से याद आया महिला मच्छर एनोफिलीज की बात हो रही थी ठीक है हाँ ये भी क्या होती है बच्चों बाइसेक्सुअल होती है ये भी क्या होती है बाइसेक्शुअल ठीक है अब यहाँ पे इसके फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे होती है एक्सटर्नल

कि वो कहना क्या चाह रहा है है ना बच्चों यस yes. चलो आ जाओ तो ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया एनालिडास क्लियरली डन एंड डस्टेड सबको समझ में आ गया अब हम इसके बाद पढ़ते हैं एक बार एनसीईआरटी टू मेक श्योर कि हमने कुछ छोड़ा तो नहीं है ठीक है चलो आ जाओ यहां पे आते हैं तो आ जाओ बच्चों एनालिडा पे आते हैं दे मे बी एक्वाटिक लिखा हमने मरीन या फ्रेश वाटर लिखा हमने नोट्स में हमने 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 लिखा ये ये हो हो सकते parasitic हो सकते और चीज़ लिखी नहीं लिखी, लिखी नहीं में great. ये इनके पास होती होती है bilateral symmetry होती है ब्लास्टिक होते हैं ट्रू सेगमेंटेशन होती है और ट्रू सिलोम प्रेजेंट होती है ये सब हमने लिखी ठीक है बॉडी के पास सेगमेंट्स है ये हम पहले डिस्कस कर चुके थे नाउ लोकोमोशन के लिए इनके पास स्ट्रक्चर हैं हैं हम सीटे कहते हैं। क्या एक्सक्रीशन में, में पार्टिसिपेट करता है म्यूरल सिस्टम इनका पेयर्ड है डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड ठीक है डायोशियस है अर्थवर्म मोनोशियस रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल और ये तीनों एग्जाम्पल डन बच्चों सब कुछ लिख लिया हमने अब हम नेक्स्ट फाइलम की ओर बढ़ते हुए इसके बाद हमारे नेक्स्ट फाइलम कौन से एनी फाइलम यहां पे अब हम सबसे इंपॉर्टेंट फाइलम शुरू करने वाले हैं सबसे लार्जेस्ट फाइलम भी ये होता है उस फाइलम का नाम है आर्थ्रोपोडा क्या नाम है बच्चों उस फाइलम का उस फाइलम का नाम है आर्थ्रोपोडा तो सबसे पहले इसके नाम के बारे में जानने की कोशिश करते हैं आखिर इसका नाम क्या है आर्थ्रो आर्थरो ज्वाइंटेड आर्थरो ज्वाइंटेड पोडामींस लेग पोडामींस लेग यानी कि हर आर्थरो होंगे जो उसे फ्लेक्सीबिलिटी देते हैं यही रीजन है कि कॉकरोच किसी भी साइज की नाली में घुस पाता है और किसी भी साइज की नाली से वो निकल पाता है ठीक है प्लस ये जो फाइलम है दिस इज अर्जेस्ट फाइलम ऑन अर्थ सबसे बड़ा फाइलम है लार्जेस्ट फाइलम अब सवाल ये ये है कि ये लार्जेस फाइलम है? ये लार्जेस्ट फाइलम क्यों है ये इसलिए लार्जेस्ट है है ये इसलिए इतने सक्सेसफुल क्योंकि भगवान ने इन्हें एक ऐसा ऊपर से कोट दिया है जो बिगाड़े नहीं बिगड़ता वो कोट का नाम क्या है काइटनस एक्जो स्केलेटन क्या है बच्चों काइटिनस एक्सो स्केलेटन तो किसी भी तरह का एसिड किसी भी तरह का इन इनपे काम नहीं कर पाता है इसलिए गंदी से गंदी बास मारने वाली नाली के अंदर भी खुशी खुशी से रह लेते हैं विदाउट एनी कंप्लेन ठीक है वहीं पे अगर काइटिन की हम बात करें तो काइटिन एक तरह का होमो है जो किससे बना है एनएसिटाइल ग्लूकोज अमीन से किससे बना है बच्चों ये एसिटाइल ग्लूकोज अमीन से ये बना होता है और ये बहुत ही कड़क होता है अगर आपने कभी कॉकरोच को चिपकाए और दीवार पे तो एक आवाज आती है ओह माय गॉड ऐसी आवाज आती है कभी हम मच्छर को मारो तो एक आवाज आती है ठीक है तो जो आवाज आ रही है ना वो इसकी कुरकुरेपन के कारण आ रही है सॉरी कुरकुरे नहीं कैड़ेपन के कारण आ रही है ठीक है तो दैट्स द लार्जेस्ट फाइलम बिकॉज लेग्स अब आते हैं इसके जनरल कैरेक्टर्स पे यहां पे लिखेंगे अब इसके जनरल कैरेक्टर्स तो सबसे पहले जनरल कैरेक्टर्स हैबिट एंड हर जगह ये है हर जगह ठीक है हर जगह हुई का मतलब क्या है भाई ये एक्वाइटिक भी हो सकते हैं एक्वाइटिक में जैसे कि फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं दे कैन बी मरीन वाटर ठीक है ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं धरती पे रहते हैं जैसे कि अपन का कॉकरोच ठीक है ये हवा में भी रहते हैं जैसे कि इंसेक्ट ठीक है यानी कि एरियल भी होते हैं ये हवा में भी रहते हैं भाई ठीक है हर जगह हर जगह ठीक है ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं ये पैरासाइट भी हो सकते हैं ये पैरासाइट्स भी हो सकते हैं जैसे कि हमारी फीमेल ठीक है, फ्री स्विमिंग सिंगल से याद आया सिंगल से याद आया कि खुश कौन कौन है? बता दो बॉक्स में यस ये सिंगल भी हो सकता है चलो अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा चल रहा है ऑर्गन सिस्टम कौन सा चल रहा है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम अगर सिमेट्री की बात करें तो सेम सिमेट्री होती है जो हमारे अंदर होती, की कौन सी होती है इसके अगर की बात करें तो सेम बॉडी प्लान है यानी कि ट्यूब विद इन ट्यूब कौन सा है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है अगर जॉम बात करें तो एक्टो एंडोमीजो तीनों से मुझे याद आया कि ये तो हो गए ट्रिप्लो ब्लास्टेड क्या हो गया बच्चों ये हो गए ट्रिप्लो ब्लास्टिक सिलोम की अगर बात करें तो सिलोम ट्रू सिलोम है शाइजो सिलोम प्रेजेंट होती है कौन सी होती है बेटा ये होते हैं एग्जाम्पल ऑफ ट्रू सिलोम सेगमेंटेशन प्रेजेंट और एब्सेंट सेगमेंटेशन प्रेजेंट और एब्सेंट जल्दी बताइए सेगमेंटेशन इज प्रेजेंट सेगमेंटेशन यहां पे प्रेजेंट होती है फॉर द सेकेंड टाइम इन एनिमल किंगडम अब आते हैं इसके टिपिकल कैरेक्टर्स पे नाउ लेट्स स्टार्ट टिपिकल कैरेक्टर्स ऐसे कैरेक्टर्स जो केवल और केवल हमें इस फाइलम में देखने को मिलते हैं तो पहला है हमारा बॉडी फॉर्म अगर बॉडी फॉर्म की बात करें तो बॉडी तीन हिस्सों में बटी हुई है कितने हिस्सों में बटी हुई है यस yes. मैम जेनली खुश है तो मैं क्या डेली दिखावा कर रही होती हूँ खुशी का है, है बेटा नलायक <laughs> मैं खुशी रहती हूँ बेटा दुख का मेरे पास कोई कारण नहीं है ना इतना यस yes. दुख तब होता है जब बच्चे बस स्कोर नहीं कर रहे होते टेस्ट में तब कभी कभी गुस्सा आ जाता है कि यार ये क्या हो रहा है इतनी मेहनत के बाद भी क्यों नहीं स्कोर कर रहे हैं यस yes. तो अगर हम इसकी बॉडी की बात करें तो तीन हिस्सों में बटे होते हैं मुझे पता है तुम जान मुझ के छेड़ रहे आज मुझे पहला हिस्सा क्या होता है हेड दूसरा हिस्सा क्या होता है थॉरेक्स और तीसरा हिस्सा क्या होता है बॉडी का जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है जो कॉकरोच में मैं और डिटेल में पढ़ाऊंगी वो है एबडोम कौन सा होता है बच्चों एबडोम बट कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं है, है है. तो है, क्या बोलते हैं बच्चा जल्दी बताओ चैटबॉक्स में उस कंडीशन को हम बोलते हैं सिफेलोथरिक्स क्या बोलते हैं ठीक है यह तो हो गया इसका बॉडी फॉर्म अब आते सेकेंड आएंगे डाइजेस्टिव सिस्टम बेटा जल्दी बताओ कंप्लीट इनकम्प्लीट एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर जल्दी बताओ जितना जल्दी जल्दी बताओगे उतनी जल्दी जल्दी नोट्स बनेंगे हम मोलस्का पे चलेंगे यस डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट क्योंकि ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो सेल से बाहर हो रहा है सिंस वो सेल से बाहर हो रहा है तो कैसा होगा एक्स्ट्रा सेलुलर कैसा बच्चों वो एक्स्ट्रा सेलुलर वहीं पे डाइजेशन के बाद आएंगे अब हम रेस्पिरेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एग्जाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं यहां पे वी वी आई पी लिख रही हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीवाई क्यू है ठीक है रेस्पिरेशन की अगर बात करें तो सबसे पहले आते हैं हमारे क्रस्टेशियंस क्रस्टेशियंस वो आर्थ्रोपोड्स हैं जो इक्वेटिक होते हैं कौन से होते हैं बेटा

फिर आते हैं तीसरा तीसरे की बात करें तो इंसेक्टा यानी कि मच्छर फैमिली ठीक है किसकी बात की बात कर कर रहे रहे हैं हैं मच्छर फैमिली की यानी कि हम इंसेक्टा की बात कर रहे हैं इंसेक्टा टेरेस्ट्रियल होते हैं तो इनके पास क्या होते हैं इनके पास होते हैं ट्रेकियल ट्यूब्स क्या होता है ट्रेकियल ट्यूब्स या ट्रेकियल सिस्टम वहीं पे जो स्कॉर्पियन और स्पाइडर्स होती है जिन्हें हम क्या बोलते हैं अराकनेट्स क्या बोलते हैं इन्हें

टरी सिस्टम चाहे वो मच्छर हो चाहे वो क्रस्टेशन हो लिमल हो अब सब सब क्यों ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम विदी एक्सेप्शन देर इज नो एक्सेप्शन ठीक हैडी हैज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम विथ नो एक्सेप्शन कोई भी एक्सेप्शन इसका नहीं है जब हम मच्छर को मारते हैं या कॉकरोच को मारते हैं तो उसके अंदर से जो खून निकलता है वो किस रंग का होता है सफेद ठीक है? आप कहेंगे नहीं मां मच्छर को मारा था लाल निकला था वो तुम्हारा खून है ना लेको जो तुम पिचकार रहे हो ना वो तुम्हारा खून है मच्छर का तो खून सफेद होता है इट इज कलरलेस इनके पास क्या होता है इनके पास हीमोलिम्फ होता है और जो हीमोलिम्फ होता है ये कलरलेस होता है क्योंकि इनके पास कोई पिगमेंट ही नहीं होती है दे डोंट हैव एनी पिगमेंट तो अगर कॉकरोच को कभी आपने चिपकाए हो दीवार पे या अपनी चप्पल से तो आप देखोगे सफेद रंग का फ्लूइड बाहर आता है ठीक है इट इज कलरलेस अब आते हैं नेक्स्ट पे इनका जो दिल होता है दिल से याद आया आज तुम्हारा दिल कैसा है मेरे बच्चों यस yes. इनका जो दिल होता है ना वो नर्वस सिस्टम ब्रेन कंट्रोल करता है हमारा दिल तो कोई और सॉरी oh हमारा दिल तो खुद कंट्रोल हम करते हैं बट जो इनका दिल होता है ना वो नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है और ऐसा हार्ट क्या होता है न्यूरोजेनिक हार्ट क्या होता है न्यूरोजेनिक हार्ट कहलाता है तो देयर हार्ट इज इन डायरेक्ट कंट्रोल इन नर्वस सिस्टम हमारा मायोजेनिक होता है अब आते हैं नेक्स्ट बच्चों नेक्स्ट है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहां से भी नीट में बहुत सारे पी क्यूज आए हुए हैं तो आ जाओ सबसे पहले बात करते क्रस्टेशन की यानी कि एक्वेटिक वो हरे रंग का होता है ठीक है वो हरे रंग का जो होता है वो क्या होता है ग्रीन ग्लैंड क्या होता है बच्चों वो ग्रीन ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड को दूसरे नाम से क्या कहते हैं एंटेनल ग्लैंड क्या कहते हैं एंटेनल ग्लैंड वहीं पे जो मच्छर परिवार है इंसेक्टा मच्छर परिवार उसके पास क्या होते हैं क्या होता है उसके पास मालफीजियन टिब्यूल कितनी होती है सौ से डेढ़ सौ कौन से रंग की होती है पीले रंग की होती है ठीक है पीले से याद आया आज कोई हाथ पीले कर आने तो नहीं है यस yes. <laughs> इंसेक्टा इंसेक्टा में क्या है माल्फीजियन टिब्यूल क्या है बच्चों मालफीजियन टिब्यूल्स हंड्रेड टू वन फिफ्टी नंबर होती है और Saturday को उस दिन बता दूंगी ठीक है फिर आदे नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे अरेक्नेट्स अरेकनेट्स कौन होते हैं स्कॉर्पियपाइडर्स अगर इनकी बात करें तो इनके पास क्या होते हैं कॉक्सल ब्लैंड क्या होता है इसके पास कॉक्सर ग्लैंड फॉर एक्सक्रीशन अब एक्सक्रीशन के बाद जो नेक्स्ट सिस्टम हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम कौन सा पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम नर्वस सिस्टम है नॉन कॉर्डेट है तो नर्व कॉर्ड की लोकेशन क्या होगी वापसी से बता दो चैट बॉक्स में इसके पास भी एक नर्व कॉर्ड होगी और नर्व कॉर्ड की लोकेशन इसमें भी वही होगी जो उसके पास थी क्या है क्या है मेरे बच्चों होगी वेंट्रल बताओ नर्व कॉर्ड भी डबल होती है यस सॉलिड ठीक है बच्चों फिर आते इसमें सेंसरी ऑर्गन अगर हम सेंसरी ऑर्गन की इसकी बात करें तो इसके पास सेंसरी ऑर्गन कौन है वो काली काली आंखें तुरुरु जिससे वो देखती है तुरुरु तुरुरु वो काली काली आंखें कौन सी इसकी जो मोटी मोटी बट्टे जैसी दिखती है चलो वो कौन सी हमारी कंपाउंड आईज कौन सी आइज है कंपाउंड आईज ये जो कंपाउंड आईज होती है ना इनकी खासियत होती है इसके पास विजन होता, है. कैसा होता है? तो इसके पास है, है उसे हम कहते हैं ऑसेल आई ऑसेलाई को कॉमन नेम में कहते हैं सिंपल आई ये जो सिंपल आई होती है दिस एक्चुअली चेक द लाइट इनकमिंग लाइट ठीक है इट कीप्स अ चेक ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट तो लाइट की इंटेंसिटी को चेक करता है फिर आते नहीं बताऊंगी बहुत ज्यादा ठीक है स्टार्टोसिस्ट स्टार्टोसिस्ट किसके लिए होता है बैलेंसिंग के लिए पानी में बैलेंसिंग इन वाटर क्योंकि वहां तैर है ना बोइी मेंटेन करने के लिए बेसिकली तो बैलेंसिंग के लिए चाहिए होता है ठीक है बच्चों इसके अलावा इसके पास दो ऐसे भी होते हैं होतेनाज वेरी गुड क्या है बच्चों ये दीज आर एंटेनास तो अगर एंटेनास की बात करें तो एंटेना के डुअल फंक्शन होते हैं क्या फंक्शन होते हैं डुअल फंक्शन एक तो ये इसके पास होते हैं ऑल रिसेप्टर स्मेल ये स्मेल कर पाता है यहां से और फैक्ट्री रिसेप्टर दूसरा इसके पास होता है रिसेप्टर यानी कि आपने अगर कॉकरोच को भगाना है तो ऐसी हपा करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं हपा ऐसे नहीं बस ऐसे पैर को ऐसे हिला दो वाइब्रेशन होगी उसे पता लग जाएगा कि तुम आ रहे हो वो अपने आप निकल लेगा वो स्मार्ट है बेटा तुम्हारी तरह थोड़ी है तो टेक्सटाइल इज बेसिकली वाइब्रेशंस बस वो अपने आप भाग जाएगा उसे बिल्कुल ऐसे नहीं करने की जरूरत oh oh तो मैं नहीं पाऊंगी ठीक है तो ऐसे बिल्कुल करने की जरूरत नहीं वो भी आपसे डरता है आप, आप चिंता मत कीजिए अब आते नेक्स्ट पे सेंस ऑर्गन के बाद आएंगे हम इसके रिप्रोडक्शन पे नाउ वेन वी टॉक अबाउट रिप्रोडक्शन तो हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल्स क्या मिलेंगे यूनिसेक्सुअल के ज्यादा मिलेंगे तो दे आर जनरली यूनिसेक्सुअल यानी कि जो महिला और पुरुष है वो अलग अलग शरीर में प्रेजेंट होंगे ठीक है अगर फर्टिलाइजेशन की बात करें तो मोस्टली दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन कैसी फर्टिलाइजेशन है इंटरनल फर्टिलाइजेशन आपको देखने को मिलेगी फिर आते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे को अगर यहाँ पे देखना है तो डेवलपमेंट डेवलपमेंट की बात करें तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है क्योंकि इसमें लार्वल स्टेजेस होती है क्या होती है इसमें लार्वल स्टेजेस होती हैं अब इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक एग्जाम्पल आपने जरूर देखा होगा पी वाई की में, देखा है नहीं देखा है? Yes. तो अगर यहाँ पे पहला एग्जाम्पल ले तो वह हमारा लेपिसमा लेपिसमा इज सिल्वर फिश ये वो कीड़ा है जो पुरानी किताबों में मिलता है दूसरा एग्जाम्पल एनोफिलीज बहुत है एग्जाम्पल यार इसके. एनोफिलीज ठीक है तीसरा एग्जाम्पल है एडीज मच्छर चौथा एग्जाम्पल है क्यूलेक्स मच्छर ठीक है पांचवा एग्जाम्पल है लैक इंसेक्ट लाका लैक इंसेक्ट ठीक है फिर एपिस इंडिका यानी कि हनी बी एपिस इंडिका यानी कि हनी बी ठीक है और बताओ और बताओ बहुत सारे एग्जाम्पल दिए आ रहे और बताओ मस्का डोमेस्टिका ठीक है मस्क डोमेस्टिका बॉम्बिक्स मोरी यस वी हैव बॉम्बिक्स मोरी सिल्क सिल्क वॉम चलो और बताओ और बताओ और बताओ यस yes, और, 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 और पैलेमोन पैलेमोन यानी कि प्रॉन ठीक है और बताओ और बताओ यस किंग क्रैब लिविंग फॉसिल किंग क्रैब ठीक है और बताओ और बताओ बटरफ्लाई साइंटिफिक नेम बताओ उसका पहले बटरफ्लाई का लोकस्ट ग्रिगेरियस ग्रास होपर क्या ये ग्रास होपर और स्कॉर्पियन और, 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 और। उसका क्या होता है पैलिमस ऐसी कुछ होता है पैलिमोन नहीं आ, पता नहीं मेरे को उसको साइंटिफिक नेम याद नहीं आ रहा है यार सर बता रही हूँ ठीक है बहुत सारे यार ये देख लेना आप एनसीआरटी में चलो अब इसको रीड करते हैं एनसीआरटी से और इस फाइलम को भी खत्म करते हैं फिर हमें सेकंड फाइलम पे जाना है ये है हमारा चलो भाई ये पढ़ा है हमने अभी आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम इन एनिमेलिया व्हिच इंक्लूड्स इंसेक्ट Over two third of all named species on Earth are arthropods. They have organ system level of organization, bilateral symmetry,

एनोफिलीस क्यूलेक्स एडीज ये मच्छर ये बीमारियां फैलाती है लोकसॉट ग्रीगेरियस एंड रहा है? ये थोड़ा सा ज्यादा स्लाइड में हो गया था क्योंकि बड़ा फाइलम है मैंने अच्छे से पढ़ाया है ठीक है अब हैं नेक्स्ट फाइलम दैट इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम नेक्स्ट फाइलम है हमारा मुलास्का अरे 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 नोट सारे टेलीग्राम पे मैं दे दूंगी बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं किसी बच्चे को मैंने नोट्स को लेके कोई पापड़ थोड़ी बनाने हैं तुम्हारे लिए बन रहे सारे नोट्स ठीक है मोलस्का नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट मोलस्का द कॉमन नेम ऑफ दिस फाइलम इज द सॉफ्ट स्किन एनिमल्स यानी छूने पे गलगला महसूस होगा यस yes. मैम समझना इसमें क्या रटना है देखो यार इतना इतना सच नहीं बोलना था है बेटा मैम तो बोलेंगे ना समझ में आया नहीं आया आपको इतना सच नहीं बोलना था बट ठीक है ये सॉफ्ट बॉडीड होते हैं मतलब कि इनको छूने पे से गलगला फील होता है गलगला टाइप्स ठीक है तो दीज आर सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स अगर मोलस्का की बात करें तो दिस इज अ सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम पहला कौन सा था आर्थ्रोपोडा सेकंड कौन सा हमारा मोलस्का ठीक है सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है सबसे बड़ा नहीं सेकेंड ठीक है बच्चों आप देखो बढ़े मैं एक ऐसा अभी पहले लेवल ऑफ वो कर लेते हैं जनरल कैरेक्टर्स उसके बाद मैं डायग्राम बनाऊंगी प्लीज कोशिश करना कि आप हंसे ना वरना ना इट यू नो समाइम इट्स रियली हर्ट यस चलो हैबिट एंड की बात करते हैं तो ये भी एक एक्वाटिक से मुझे याद आया कि ये फ्रेश वाटर भी होते हैं और ये मरीन वाटर भी होते हैं दोनों तरह के होते हैं ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं ठीक है इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो ये फ्री स्विमिंग भी हो सकते हैं यानी कि आराम से तैर भी सकते हैं और ये सिसाइल भी हो सकते हैं एक जगह के भी रह सकते हैं ठीक है और इसके अलावा बात करें तो ये सिंगल भी रह सकते हैं अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो कैसा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसी हो मेम मेम वाला तो बहुत ही अमेजिंग था तेरा शब्द चलो भाई अगर हम यहाँ पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो कैसी हो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसी हो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर सिमेट्री की बात करें तो यहाँ पे बायोलेट्रल सिमेट्री कौन सी सिमेट्री है बायोलेट्रल बॉडी प्लान अगेन ट्यूब विद इन ट्यूब कैसे बच्चों ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान इसके पास भी तीनों है एक्टो, मीजो, एंडो तो ये क्या हो गया ट्रिप्लो ब्लास्टिक. ये भी क्या हो गया? ट्रिप्लो ब्लास्टिक अगर सिलोम की बात करें तो शाइजो सिलोमेट क्या बच्चों दीज आर शाइजो सिलोमेट एनिमल्स अगर सेगमेंटेशन की बात करें तो सेगमेंटेशन इज एपसेंट सेगमेंटेशन इज

जब मैंने YouTube पे पढ़ाना शुरू किया तो मैंने इस चैप्टर के ट्रिक्स बनाई थी सब बता रही ठीक है <laughs> ट्रिक ही नहीं याद है हां सर डालूं मैं मैं सोचा मैं ट्रिक बना के आज बच्चों को याद कराऊंगी ठीक है बट हुआ क्या ना ट्रिक्स ही नहीं याद रही कितने एग्जांपल है इस चैप्टर में कि ट्रिक याद करना भी एक चैलेंज हो गया था मैंने कहा रह दो भाई जितना आता है उतना भी भूल जाऊंगी मैं अपन ट्रिक याद नहीं करेंगे क्योंकि अपन ही भूल जा रहे थे यार ठीक है बच्चा कह रहा है मैम यहाँ पेना भी लिखना है चलो भाई लिख लेते हैं एक्सेप्ट न्योपिलीना नियोपिलीना जो है कनेक्टिंग लिंक होता है क्या होता है ये कनेक्टिंग लिंक होता है बिटवीन एनलिडा एंड आन मोलस्का एंड मोलस्का ठीक है बच्चों अब आते हैं यहाँ पे टिपिकल कैरेक्टर ना वे टिपिकल कैरेक्टर तो पहला वाले क्यू नीचे मैं लिख रही हूँ वी वी आई पी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पी वाई क्यू अब एक ऐसा डायग्राम बनेगा शायद ही आपकी आंखों ने इतना सुंदर चित्र कभी जीवन में देखा यस शायद ही सब बताओ देखा तुमने कभी नहीं देखा ना मैं तो क्या ही रही थी कौन हंस रहा है कौन हंस रहा है वैष्णवी चले वैसे है क्या ये एक मुलस्का है क्या बच्चों ये एक मुलस्का ठीक है यस जो बच्चे पूछ रहे हैं ना ये क्या है मैं बता दूं ये मुलस्का है पता नहीं क्या है बट सुंदर है थैंक यू बेटा स्नेल देखा निक ने पहचान भी लिया ऐश्वर्या ने भी पहचान लिया यस लेट्स वॉच चलो कैमल तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता ठीक है अच्छा ज्यादा हो रहा है कैमल लग रहा है चलो देखो इधर सबसे पहले आपको समझना होगा ये दो प्यारी सी क्या है इसकी आंखें आईज कैसी आईज प्रोट्रूडिंग आईज होती है ऐसे बाहर की तरफ निकली होती है ठीक है ये आपको पता ही लग रहा होगा माउथ है इतना सुंदर डायग्राम जो बनाया ठीक है थीके? माउथ के अंदर क्या है रेड्यूला ये जो छोटी छोटी प्लेट्स दिख रही है ये क्या है रेड्यूला ये जो रेड्यूलर होता है ये फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन होता है क्या होता है ये फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन ठीक है यानी कि ये प्रे को पकड़ने में हेल्प करता।, करता है उसको जकड़ रखता है ठीक है यस फिर आते हैं नेक्स्ट ये जो नीचे वाला बड़ा सा हिस्सा दिख रहा है ना बेटा ये मस्कुलर फुट है ठीक है यस क्या ये मस्कुलर फुट जो किस में हेल्प करता है लोकोमोशन में किसमें हेल्प करता है, है. है? है, है, है बच्चों तो उसको उसको हम कहते हैं विसरल हम ये वो हिस्सा है जहां पे इसके सारे बॉडी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा सारे बॉडी ऑर्गन ठीक है क्या प्रेजेंट होते हैं सारे यहाँ पे बॉडी ऑर्गन सारे के सारे फिर यहाँ पे ऊपर वाली आपको एक लेयर दिख रही होगी दैट लेयर इज कॉल्ड मेंटल जो इसका सबसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर है म म से से के अंदर एक ऐसे सेल्स होते हैं हैं जो करते कैल्शियम क्या करते हैं कैल्शियम है? 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 और यही कैल्शियम बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होता है एस कैलकेरियस शेल तो ये जो येलो कलर का मैंने बनाया दिस इज वॉट दिस इज कैल्केरियस शेल और ये किसमें हेल्प करता है दिस हेल्प इन द प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी तो ये प्रोटेक्शन में हेल्प करता है ठीक है यहाँ पे जो एक ओपनिंग आपको दिख रही है दिस इज एक्सक्रीटरी पोर ये एनएस भी है एक यहाँ पे एक्सक्रीटरी पोर भी होता है ठीक है फिर इसके पास फिलामेंटस गिल लाइक स्ट्रक्चर्स भी होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं टिनीडिया ठीक है ये है इसकी बॉडी का स्ट्रक्चर समझ में आया नहीं आया सबको यस yes. आ गया सबको कितने अच्छे से समझाया मैंने हम्म ठीक है? ऑरेंज प्लांट नहीं है पहले तो पिंक प्लांट, गे। प्लांट गे। वो फेदर गिल, ना बहुत कर रहे सिस्टम अब इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो कंप्लीट है इनकम्प्लीट है एक्स्ट्रा है इंट्रा सेलुलर है जल्दी बताओ बॉक्स में तो यहाँ पे कंप्लीट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम है प्लस यहाँ पे जो डाइजेशन है वो एक्स्ट्रा सेलुलर टाइप की डाइजेशन है फिर आते हैं इसके रेस्पिरेशन में सिंस कुछ यहाँ पे स्पीशीज पानी में रहती है तो किसके थ्रू होगा गिल्स के थ्रू किसके थ्रू होगा गिल्स किसमें एक्वेटिक फॉर्म्स में बाकी इसके पास इसके अलावा टिनीडिया भी होते हैं जो ये टिनीडिया होते हैं ये लाइक -like गिल्स होते हैं कैसे होते हैं -like ये लाइक -like गिल्स फेदलाइ ये दो काम मुकम्मल करते हैं पहला क्या है रेस्पिरेशन दूसरा क्या है एक्सक्रीशन रेस्पिरेशन तो में भी पार्टिसिपेट करेगा और ये एक्सक्रीशन में भी पार्टिसिपेट करेगा फिर आते हैं नेक्स्ट सर्कुलेटरी सिस्टम अगर सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो सारे मोलस्का में ओपन होता है एक्सेप्ट फॉर सिफेलोपोर्ट सिर्ट्स मींस अपन के ऑक्टोपस सबके पास ओपन है सबके पास ओपन है एक्सेप्ट फॉर सिफेलोपोर्ट्स कौन से होते हैं हमारे ऑक्टोपस क्योंकि उसके पास क्या होता है हमारे पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है फिर आते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद एक्सक्रीशन एक्सक्रीशन के लिए इसके पास दो तरह की चीजें होती है एक ऑर्गन ऑफ बुजानस एंड कीबर्स ऑर्गन ठीक है चलो ऑर्गन ऑफ बुजानस और दूसरा कौन सा है कीबर्स ऑर्गन दूसरा कौन सा है कीबर्स ऑर्गन तो ये दो होते हैं हमारे एक्सक्रीशन के लिए ठीक है फिर आते है एक्सक्रीशन के बाद कौन सा करते हैं वही नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम रहेगा नर्व कॉर्ड नर्व कॉर्ड की लोकेशन कोई बता सकता है वही वेंट्रल डबल सॉलिड ज्यादा कुछ रटना है ही नहीं हमको सेम ही चीज पढ़ा रही हूं तब से वेंट्रल डबल सॉलिड ठीक है ये हो गया अब आते हैं इसके नेक्स्ट पे रिप्रोडक्शन नाउ इसके रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो यहां पे हमें यूनिसेक्सुअल भी मिल जाते हैं और बायसेक्सुअल भी मिल जाते हैं यूनिसेक्सुअल भी मिल जाएंगे बायसेक्सुअल भी मिल जाएंगे फर्टिलाइजेशन इसकी मुझे याद नहीं है फर्टिलाइजेशन कुछ में तो इंटरनल होती है कुछ में एक्सटर्नल एक्सटर्नल लिख देते हैं अभी चेक कर लेंगे कोई नहीं यार इतनी तो यार मेरे को भी होनी चाहिए ना आजादी यस yes. ना बहुत ही होगी एक्सटर्नल इंटरनल जितना मुझे याद था डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है दोनों तरह की डेवलपमेंट हो सकती है आज एग्जाम्पल की बात करते हैं इसके बड़े इंपॉर्टेंट है पहले एग्जाम्पल है सीपीआर पहले एग्जाम्पल क्या इसका सीपीआर देखो आधे घंटे बाद, बाद बच्चों का <laughs> बच्चों का दम टूटता वो बच्चों का दम टूटता हुआ कि बहुत एनिमल किंगडम हो गया <laughs> बट बेटा हमें आखिरी तक बने रहना अगर ये आज चैप्टर कंप्लीट नहीं हो रहा मैं कल नहीं पढ़ाऊंगी इसको बस मैं अपने अंदर जितनी ताकत बटोर सकती थी ना मैंने वो कर है काटल फिश उसके बाद टाडा पिनक टाडा पिनक इज पर्ल ऑस्टर जहां से हमें क्या मिलता है पर्ल ऑस्टर से खाना भी मिलता है और मोती मिलते हैं ठीक है इसके अलावा डेविल फिश यानी ऑक्टोपस बेताल मछली है ठीक है पायला एप्पल स्नेल और बताओ और बताओ ये तो हो गया ठीक है ये हो गया चलो अब आते हैं एनसीआरटी पे चलो आ जाओ दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ये हमने कर लिया सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम वाला पॉइंट ठीक है सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है ओके टेरेस्ट्रियल या मोलास्कार टेरेस्ट्रियलटिक हो सकते हैं मरीन फ्रेश वाटर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है बायोलेटली सिमेट्रिकल है ट्रिप्लो है सिलोमेट है, है इतना तो मैं तुम्हें आराम से याद करा देती हूँ ठीक है बॉडी इज कवर्ड बाय कैलकेरियस शेल and is unsegmented with the head, muscular, foot, and visceral hump. the soft and the spongy skin form a mantle over the visceral hump. Which we have in the, diagram. the space between the hump and the mantle is called mantle cavity, which has a feather-like gills called tinidias, which helps in respiration and excretion. the interior head region has sensory tentacles. the mouth contains a file-like rasping organ called radula. they are usually dioecious, unisexual. ओवी पैरस इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पायला एप्पल स्नेल पिनाक्टाडा पॉइल ऑयस्टर सीपिया कटलफिश फिश लॉलीगो स्क्वेड ऑक्टोबर डेविल फिश एप्लीशे सी है डेंटेलियम टस क्या होता है दांत दांत से याद रखना है डेंटेलियम कीटो प्लूरा काइटोन ये सारे हमारे एग्जांपल है किसके मोलस्का के चलो अब नेक्स्ट पे चले बच्चों अरे प्यार नहीं जानते क्या अरे क्या तुम्हारी आशिकी चलती रहती है चैट बॉक्स में नालायक एंड गधेड़े चल अब नेक्स्ट पे आएंगे फटाफट से नेक्स्ट फाइलम कौन सा बच्चा पार्टी हमारा नेक्स्ट फाइलम देखो बेटा आज वाले दिन किंगडम पढ़ना आप समझ आर द मोस्ट डेडिकेटेड स्टूडेंट जस्ट प्रेज योर सेल्फ एंड आई एम द मोस्ट डेडिकेटेड टीचर आई एम ऑल्सो प्रेजिंग माई सेल्फ फाइलम क्या हमारा एक डोमेटा फाइलम नंबर नाइन एक आइन ओ डोमेटा ठीक है यस ये स्पाइनी स्किन एनिमल्स होते हैं कांटे होते हैं कांटे नहीं कटते दिन और रात नीति तुमसे एक ही बात लो आज मैं कहती हूं आज मैं पढ़ाऊंगी एनिमल किंगडम चलो आ जाओ ये क्या है हमारे स्पाइनी बहुत प्यारा फाइलम है क्योंकि इस फाइलम के अंदर कुछ होता ही नहीं है पढ़ाने में सबसे कोई अच्छा फाइलम मुझे लगता है तो यही फाइलम है यस चलो आ जाओ इसके बारे में लिखते हैं सबसे पहले हैबिटेट एंड सिर्फ और सिर्फ मरीन वाटर में मिलेंगे हम हर जगह नहीं मिलते हैं ठीक है मनीष मल्होत्रा का लहंगा पहन दी हूं मैं चलो आ जाओ ये क्या बेटा एक्सक्लूसिवली मरीन सिर्फ और सिर्फ मरीन वाटर में मिलेंगे फ्री स्विमिंग रहेंगे आराम से तैरते रहेंगे ठीक है सिंगल सॉलिटरी अकेले रहेंगे तैरते रहेंगे एक्सक्लूसिवली मरीन मरीन ठीक है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम क्या ऑर्गन सिस्टम सिमेट्री की बात करें तो ये वाई क्यूब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाई क्यू सिमेट्री की बात करें तो दो तरह की सिमेट्री पढ़नी पड़ती है ठीक है एक है लार्वल सिमेट्री जो की होगी बाइलेटरल वहीं पे जो एडल्ट है उसकी सिमेट्री जो होगी होगी रेडियल वो कौन सी होगी रेडियल सबसे ज्यादा यहां से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो यही सवाल पूछा जाता है अगर जर्म लेयर्स की बात करें बॉडी प्लान की तो ट्यूब विद इन ट्यूब ट्यूब विद इन ट्यूब बात करें तो तीनों germ layers होती यानी कि ठीक yes. है? है क्या e से याद रखना एंटेलोमेट फर्स्ट टाइम आ रही है एंटेरो होते हैं ठीक है अब इसके बाद हम बात करेंगे इसके टिपिकल कैरेक्टर्स की अगर हम इसके टिपिकल कैरेक्टर्स की बात करें तो पहला टिपिकल कैरेक्टर इसका कौन सा है वीवीआईपी क्वेश्चन है इसके पास वाटर केनाल सिस्टम होता है वाटर सिस्टम होता है। वाटर केनाल या वाटर वैस्कुलर बाहर ढोल बज रहे हैं चलो किसी की तो शादी हो गई रही होगी वाटर केनाल या वाटर वैस्कुलर कौन सा भाई जल्दी बताओ चैट बॉक्स में यहां पे होता है वाटर वैस्कुलर सिस्टम कौन सा वाटर वैस्कुलर सिस्टम अगर इस वाटर वैस्कुलर सिस्टम की बात देखे तो बेटा आपको सबसे पहले अपना हाथ बाहर निकालना है ये देखिए ये ये क्या है? स्टार फिश। ये क्या है स्टार फिश। है है? ठीक आप देखो होता क्या है? यहां इसका डॉसल साइड है ये इसका वेंट्रल साइड है तो स्टार फिश तैर रही है ठीक है तो यानी कि स्टार फिश खाना कहाँ से खाएगी यहां से और वेस्ट प्रोडक्ट कहां से निकालेगी तो इस साइड एनस होगा इस माउथ होगा so, ठीक है एंड दिस वाटर वैस्कुलर सिस्टम सारी जगह से पानी खींचेगा फिर छोड़ेगा आगे चला जाएगा फिर पानी खींचेगा

टरी सिस्टम अगर इसके सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो कैसा है ओपन या क्लोज एनीकुलेटरी सिस्टम इसको होता ही नहीं है वैसे तो ये होता ही नहीं है ठीक है अगर क्वेश्चन फिर भी आ जाए तो ओपन टाइप लिख देंगे ठीक है अगर फोर्थ अगर बात करें फोर्थ दैट इज आर एक्सक्रीशन एक्सक्रीटरी सिस्टम भी इसमें क्या होता है एबसेंट होता है फिर हम बात करते हैं इसके नर्वस सिस्टम की नर्वस सिस्टम भाई वेंट्रल डबल सॉलिड वेंट्रल डबल सॉलिड रिप्रोडक्शन की बात करें तो यूनिसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल है फर्टिलाइजेशन जैसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्योंकि पानी में रहते हैं ना तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ठीक है डेवलपमेंट इनडायरेक्ट बहुत सारे लारो होते हैं एग्जाम्पल्स लेट्स टॉक अबाउट एग्जाम्पल स्टार फिश का नाम क्या है एस्टेरियस एस्टेरियस इज स्टार फिश क्या ये स्टार फिश ठीक है starfish, इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है शेप्ड, यानी कि सी अर्चिन सी अर्चिन फिर है हमारा इसका तीसरा एग्जाम्पल सी लिली यानी कि एंटेडॉन सी लिली फिर है कुकुमेरिया सी कुकुम्बर फिर होलोथुरिया सी कुकुम्बर इसका नाम भी सी कुकुम्बर है हॉलोथुरिया का ठीक है अफ्यूरा ब्रिटल स्टार a फ्यूरा brittle star ठीक है ये सारे इसके एग्जाम्पल डन बच्चो एक और फाइलम खत्म खम लेट्स रीड एनसीआरटी ओके एकाइनोडर्म्स दीज फाइलम्स हैव एंडोस्केलेटन मेड अप ऑफ हैलकेरियस ऑसिकल्स ये पॉइंट हमने नहीं लिखा इसलिए मार्क कर रहे हैं

एक्सक्रीशन एबसेंट सेक्स इज आर सेपरेट यूनि सेक्सुअल हो गया रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल डेवलपमेंट इनडायरेक्ट फ्री स्विमिंग लावा एस्टेरियस एककूमेरिया ओफ्यूरा ये सारे इसके एग्जाम्पल भाई आया समझ में कुछ अब हम आएंगे टेंथ फाइल में दैट इज हेमी कॉडेट्स ये मुझे आपको कराना है उसके बाद बस चैप्टर ज्यादा नहीं है ये वाला पार्ट तो बहुत ईजी है ये वाला पार्ट तो देखो इसके बारे में हमें काफी कुछ पता रहता है तो आगे वाला पार्ट बहुत ईजी है उसके टेंशन मत लो चलिए अब नेक्स्ट फाइलम पे चलते हैं नेक्स्ट फाइलम हमारा है फाइलम नंबर हेमी कॉडेट्स भूख लग रही है ना भूख से याद आया मैं नमकीन लेकर आई थी छुपके से खा लेती तो हेमिकॉर्डेट्स नाम जो कुछ पता चल रहा होगा हम्म नाम जो पता चल रहा है हेमिकॉर्डेट्स आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन क्वारेट्स एंड नॉन क्वारेट्स यू आर कनेक्टिंग इन बिकॉज ये आर शेयरिंग कैरेक्टर्स ऑफ बोथ, ठीक है आर कनेक्टिंग लेंथ बिटवीन कॉडेट्स एंड नॉन कॉडेट्स ठीक है दोनों के बीच में कॉडेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स अब हेमिकॉडेट से अगर हम बात करें तो सबसे पहले बनाएंगे हम डायग्राम बट उससे पहले भी हम लिखेंगे इसके जनरल कैरेक्टर चलो अब कैरेक्टर लिखते हैं। हैबिट एंड हैल्होत्रा का लहंगा बयानों मैं, ठीक है क्या है एक्सक्लूसिवली मरीन वही पहनेंगे अपन मरीन ठीक है दे ऑल आर एक्वेटिक्वेटिक फ्री लिविंग फ्री लिविंग होते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम क्या है ऑर्गन सिस्टम इसकी सिमेट्री क्या है जैसे हम में होती है बाय बायलेटरल ब्लड सॉरी बॉडी प्लान एंड लेयर ट्यूब विद इन ट्यूब हार दुख गया मेरे लिखते लिखते है. यस ओके बेटा पाटिल मैं जा रहा हूं यार बाय मैं समझ सकती हूँ बेटा बट मैं तो कंप्लीट कराने का है ना मैं समझ सकती हूँ जा बेटा आज तो बनता भी है तेरा जाना यस yes. जोमलेस ट्रिप्लो ब्लास्टिक फिर आते इसकी सिलोम अगर इसकी सिलोम और सेगमेंटेशन की बात करें अंगूठे में दर्द हो गया मेरे तो लिखते लिखते सिलोम की बात करें तो सिलोम क्या है बच्चों एंटेरोसिलोम फॉर द सेकेंड टाइम क्या है सेगमेंटेशन की बात करें तो सेगमेंटेशन कैसा है एबसेंट यानी होता अब आते इसके टिपिकल कैरेक्टर पे टिपिकल कैरेक्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इसका डायग्राम जो कि एनसीआरटी ने बनाया हुआ है बॉडी फॉर्म आ जाओ डायग्राम बनाते हैं आप और मैं मिलके चलो ऐसे से कुछ ना इंसेटिन है, यहां तो इसका प्रोबोसिस तो ये पहला हिस्सा क्या होता है प्रोबोसिस दूसरा हिस्सा होता है कॉलर और इसका तीसरा हिस्सा होता है ट्रंक ठीक है यहां पहले हिस्से में प्रेजेंट होता है प्रोबोसिस ग्लैंड और यहां प्रेजेंट होती है इसके पास स्टोमोकॉड जिसे हम कहते हैं बकल डाइवर्टिकुलम ये क्या है स्टोमोकॉड जिसका दूसरा नाम है बकल डाइवर्टिकुलम ये किस में हेल्प करती है लोकोमोशन में इसका ओरिजिन क्या होता है एक्टोडर्मल कॉड टेटनी हो गई मेरे हाथ में एक्टोडर्मल इसका ओरिजिन होता है ये बेटा ऐसे काम के नोट्स बनाने में ना बहुत मेहनत लगती है आप सोचो तुमसे क्वेश्चन आगे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमोकॉड आप नोट से देख कर बता दो कि मैम ने लिखवाया हुआ है लोकोमोशन अगर आपसे पूछ ले इसका ओरिजिन क्या है आप बता दोगे एक्टोडर्मल है लोकेशन क्या आप है आप वो बता दोगे है ना बेटा तो ऐसे नोट बनाने में मेहनत लगती है आपको पता नहीं है चलो अब यहाँ पे इसके आप बातें टिपिकल कैरेक्टर्स पे डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो कैसा इसका कंप्लीट एक्स्ट्रा सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करें तो इसके पास क्या गिल स्लिट्स क्या इसके पास गिल स्लिट्स वहीं पे इसके बाद बात करें तो इसके सर्कुलेशन की ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम एक्सक्रीशन अभी ऊपर लिखवाया था प्रोबोसिस ग्लैंड कौन सा है प्रोबोसिस ग्लैंड फिर आते इसके रिप्रो पे रिप्रो की अगर बात करें इसका रिप्रोडक्शन दे आर यूनिसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एग्जाम्पल दो ही है बेलानोग्लॉसिस सैकोग्लॉसिस लानो ग्लॉस एंड सैको ग्लॉसस ये इसके दो एग्जाम्पल चलो एनस आर टी इसको रीड लगा लें हेमिकॉडेट्स हेमिकॉडेट्स वर्लियर कंसिडर्ड एज अ सब फाइलम अंडर कॉडेट्स बट नाउ इट इज अ सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कॉडेट्स हैव अ रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर इन द कॉलर रीजन कॉल्ड स्टोमोकॉड एक तो एक कॉलर रीजन में गलत डायग्राम बना दिया चलो ऊपर वापस डायग्राम गलत बना दिया चलो वापस ऊपर इसको यहां से हटाओ इसको यहां बनाओ ये रिस्टोमोकॉड कॉलर रीजन में ठीक है

ठीक है भाई पैसा कट एक घंटा हो चुका है नहीं नहीं. सिर्फ एक फाइलम बचाए नहीं नहीं, नहीं नहीं करना पड़ेगा करना पड़ेगा ये तो हमें करना पड़ेगा चलो दो मिनट का ब्रेक ले लेते तो कोई भी. नहीं यार साक्षी नहीं नहीं छोड़ सकते बेटा नहीं।, नहीं आज कंप्लीट करना है कल एनिमल टिश्यू शुरू करना है हम्म वो तो मेरे हाथ में दर्द हो गया इसे एक सेकंड ब्रेक ले ले लो सेम माय हैंड इज आल्सो पेनिंग नहीं नहीं करना ही, ही है करना ही है खा लो मेरे साथ-साथ कुछ खा लो किसी की नहीं करनी हो क्लासेस नहीं करनी हमने कभी क्वेश्चन आया क्लासेस में तो चलो करा कर अगर आज कंप्लीट नहीं हो तो मैं कंप्लीट भी नहीं कराऊंगी मैं बहुत हिम्मत करके आई इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए आप समझ नहीं रहे हो बेटा बात को <laughs> मैं खुद सच बोल रही हूँ सोचो मैं बहुत हिम्मत करके आई चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए अब आएंगे हम फाइल ऑफ पे ठीक है चलिए यहां से अब ब्लैंक स्लाइड ऐड कर लेते हैं क्योंकि आप तो कॉडेट पढ़ रहे हैं। इसे थोड़ा शॉर्टकट में पढ़ा सकती हूँ बट ये है कि नहीं पढ़ाएंगे पढ़ाऊंगी आज ही फाइल कॉडेट डेटा ना वाई द फाइलमोटोड इसके पास क्या है इसके पास है नोटोकॉड क्या है ठीक है ना क्या क्या फीचर है एक एनिमल को कॉडेटा होने के लिए ठीक है सो यानी कि फीचर्स ऑफ कॉडेट्स फीचर्स ऑफ कॉडेट्स तो यहां पे हम चार फीचर करेंगे जो कि किसके फीचर है हमारे कॉडेट के फीचर है ठीक है अरे वो डायग्राम कट कॉपी पेस्ट नहीं हो जाएगा देखू <laughs> हो तो जाएगा मुझे ये सब पता ही नहीं था बाबा बा मजा आ गया बाबा ये तो बहुत टाइम बच गया बा चलो तो ये हमारे चार फीचर्स जो हमें नोटो कॉर्ड के लिए चाहिए होते हैं ठीक है बाबा तो मजा आ गया मेहनत कम मजा सारा ठीक है चलो तो यहाँ पे क्या है सबसे ऊपर आप देख रहे हैं जो स्ट्रक्चर है वो है नर्व कॉर्ड सबसे ऊपर वाला स्ट्रक्चर क्या बेटा नर्व कॉर्ड अगर इस नर्व कॉर्ड की अगर हम बात करें तो ये नर्व कॉर्ड कॉर्डेट्स के, के केस में क्या होती है सिंगल होती है हॉलो होती है एंड इसकी लोकेशन क्या होती है डॉर्सल होती है क्या होती है डॉर्सल इसके ओरिजिन की अगर बात करें तो ये एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होती है क्या इसका ओरिजिन एक्टोडर्मल एंड दिस गिव राइज टू नर्वस सिस्टम इट गिव राइज टू इट गिव राइज टू नर्वस सिस्टम तो अपन की बॉडी का जितना भी नर्वस सिस्टम है वो इसी नर्व कॉर्ड से बना है जो कि एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होती है ठीक है फिर आते हैं no नोटोकॉर्ड अब इस नोटोकॉर्ड की अगर बात करें जो कि नर्व कॉर्ड से नीचे प्रेजेंट है ये क्या है सिंगल है इसका ओरिजिन क्या होता है मीजोडर्मल ओरिजिन क्या बच्चों इसका मीजोडर्मल एंड इट गिव राइज टू वॉट वर्टिब्रल कॉलम ये क्या बनाता है ये बनाता है हमारा वर्टिब्रल कॉलम वर्टिब्रल कॉलम बनाता है ठीक है बच्चों फिर आते तीसरे फीचर पे यानी कि ये है हमारी गिल स्लेट्स ये एंडोडर्मल इन ओरिजिन होती है और इसका फंक्शन क्या होता है दे फॉर्म थाइमस एंड टॉन्सिल्स ये टॉन्सिल बनाता है ठीक sure है एंड दिस फॉर्म्स थाइमस आई एम नॉट श्योर अबाउट थाइमस था अभी ठीक है और जो चौथा इंपॉर्टेंट फीचर है कॉर्डेट का वो क्या है पोस्ट एनल टेल यानी कि ये वो पार्ट है जो एनस के बाद प्रेजेंट होता है ठीक है द पार्ट प्रेजेंट बिहाइंड एनस एन एस के बाद जो प्रेजेंट होता है उसे हम टेल कहते हैं ठीक है बच्चों तो ये है हमारा क्या कॉर्डेट्स के फीचर अभी मुझे लग रहा है सेकंड बच्चों कितने बच्चो। चलो तो ये हमारे किसके फीचर्स है ये चारों हमारे फीचर्स है कॉर्डेट्स के आओ देख लेते हैं इसको एनिमल बिलोंगिंग टू फाइलम कॉर्डेटा फंडामेंटली करेक्टराइज प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड जो डॉर्सल है

इनके पास बाय फैर क्या होगी गेट्स इनके पास आर एब्सेंट हार्ट यहाँ पे क्या है वेंट्रल जबकि नॉन डोर्सल साइड होता है जबकि इनके पास पोस्ट एनल टेल एब्सेंट होती है ठीक है अब यहां पे आते हैं इसके पूरे के पूरे इस चार्ट पहले हमें चार्ट को पढ़ना है यस पता बेटा मैं अपने को इतना फोर्स कर रही हूं कि मैं एनिमल किंगडम पढ़ा बट सर बता तो पढ़ाया नहीं जा रहा <laughs> आफत है <या>, <laughs> ना जफ मानी तेरी आ पार्ट चलो कोई नहीं बेटा एनिमल किंगडम आधे पौने घंटे का वो तो कल ही खत्म कर दूंगी छोटा सा बैंगलोर से पढ़ा के खत्म कर दूंगी छोटा सा पार्ट है ठीक है फिर बैगलोर से आके टाइम काफी अच्छा रहेगा क्योंकि कल भी फ्लाइट पकड़नी है ना है ना पर एक बच्चे ने सेकंड पार्ट में लिख दिया था कि मैम चिंता यस कोई नहीं बेटा हम बकवास है कोई नहीं तू तो अच्छा है ना टीपू सुल्तान है तेरा नाम इतना अच्छा है मैं क्या बोलू चलो अब बेटा अब हम मिलेंगे कल एनिमल किंगडम का सिर्फ कॉर्डेट वाला पार्ट है ये मैं अच्छे से कराना चाहती हूँ देखो मैं कोई भी चीज भगा के नहीं कराना चाहती दैट्स ओनली प्रॉब्लम मैं आपके बिल्कुल बढ़िया कंप्लीट कराना चाहती हूँ तो कल हम करेंगे ठीक है अब नहीं पढ़ूंगी <laughs> पढ़ना पड़ेगा चुप कर आई बड़ी मैं नहीं पढ़ूंगी कल पढ़ाऊंगी मैं मेरे से पढ़ाया जा रहा भाई मैं भी इंसान हूं यार मतलब टीचर है तो मतलब उसकी कोई फीलिंग्स नहीं, नहीं है उसके कोई इमोशन नहीं है हम बड़े गंदे लोग हो तुम टीचर के कोई इमोशंस नहीं होते मेरे को भी तो मजा आना चाहिए भाई चैप्टर पढ़ाते वक्त सोचो पूरे पूरे मैराथन ले लेती मैं चार चार घंटे पढ़ा लेती हूँ नहीं हो पा रहा मेरे से इसमें मेरे भी रहा है। और क्या <laughs> नहीं हो पा रहा अंदर से ऐसे लग रहा है, मन टूट रहा है मेरा मैम मैं मैगी लेके आई थी तो खा ले तू अब कल छोटा सा पार्ट है इसका कंप्लीट करेंगे ठीक है बेचारा एनिमल टिश्यू कह रहे हैं मेरी तो जिंदगी खराब कर दी एनिमल किंगडम में कल कर करा दो बेटा ठीक है मैंने नोट्स भेज दी है तब तक रिवाइज करो अच्छे से कंप्लीट कंप्लीट करा दो वंस दिस फिर सिलेबस बहुत स्पीड से चलेगा क्योंकि बाकी सारे चैप्टर इंटरेस्टिंग है यार बाकी सारे चैप्टर इंटरेस्टिंग है ठीक है चल बाय बाय टेक केयर बच्चों एंड ऑल द बेस्ट कल मैं आपसे मिलती हूँ फ्रॉम बैंगलोर फिर परसों दिल्ली में आके आपको